मेरा नाम बलवंत है, बलवंत सिंह, गांव बरासरी है। समस्या डीएपी है, पानी लागे पड़िया सूख की, दूसर कोई मोटर बगैर कोई डीएपी का समाधान हो तो बीजा बेने आए समस्या। नहीं कोई पहले मिली, कोई सर्चिंग बिजाई में थोड़ी बहुत, बाद में कौन मिली पूर्ति के कण को बिजा रसोई पड़ी है। सुबह का 5 बजे चल पड़े, आज माल धक्का खा गया, यहाँ बैठू बंटगी, फिर रुपास को हेलो लागो 8:11 अठे हेलो लागो मर तो गम गई मेडी पर, भाई रुपास आवे डीएपी, मैं चलो रुपास ले आवांगा। अरे खाद की है जी, खाद मान लो आठ कौन लग रही, पानी सूखे बगे ट्यूबवेल में पानी लगा बच्चा सूखे, बाद में माने कोई खाद मिली को नहीं, इंगा बारह में कोई एक गए एक ट्रक कट्टा दो सही बांटिया, बाद में केरो किन्ने गायब क्रिया में माने कौन मिलो, माने एक ही कट्टो मुड़ के कौन मिलो है। आज 20 दिन हो गया ठीक नौ फिर कभी सरसा जावा, कभी रुपास जावा, कभी बटर चोपटा नाम ले बटे जावा, कभी जमाल जावा, इंगा कारण बहुत दुखी है जी। नाम तो मेरा सुखराम है जी, गांव मेरा रायपुरी है। आज जी 5 दिन हो गया, मैंने रोजाना बोले आज भी रे आन ला रही, आज भी रे आन ला रही, रे गो फोतरी आवे कोनी भूखे आती साहब, आज दिन गया 5 बजे गाइडा, रोजाना 5 दिन हो गया, 5 बजे आवा छिपे ताई आगे पड़ोसी सावले जमाने चाह की घूट देते हैं, और आठे पाने सरकार की जीने रोन लग रहा, माने अभी तक एक ही कट्टा नहीं मिले है, पहली दो तीन तीन कट्टा दिया कार्ड परे, वह मसा लेन में लाग गए लिया सरसों बीजी से दे, सरसों भी मारी पूरी मतलब है कि बिजांत कोनी हुई है, अब मतलब है कि पानी लाग गया अपने नहर बंद होगी सुकन ला रहे ट्यूबवेल में, फिर मतलब है भेबे के बीजनी पड़ेगी, माने जी रे को एक दानों को मिले है, सरसे में लेन में लाग गया, चौपटे में लाग गया, रोज दो छोरा मेरा एक चौपटे खड़ी है एक सरसे, मैं 5 दिन हो गया अठे रोज को बोले रोज की रे आने ला रही है, रोज ही रे आवे, रोज 5 दिन हो गया मैं जी अठे लेन में लाग रही हूँ, रे मिलन को ला रही, माने तीनों भाई बेटा नहीं फोतरी हो। अब आ मुसीबत है जी, बहुत मोटी मुसीबत है, आज जो मतलब है खूड नहीं लिखेंगा तो कल भैंसा ने तुड़ी कठूँ गिरागा, अच्छा टाबरा ने मतलब कणक कठूँ खुआवागा, आ समस्या जी हमारी बहुत मोटी समस्या, जी हल हो तो जी एने हो तो बैठे जी, किसान ने तो मारना ही मारना है, मारेगा आगे मैं दिल्ली में मतलब महीने महीने दो दो महीने मर गया बड़े मारन लग रहे अठे, फिर गांव में फिर मारन लग गया। ठीक जी धन्यवाद। रूपावास जी अब तो देख नहीं लग रहे हो भी जकी किसाना की हालात है, आ इसी हालात में कभी कौन देखी आज तक, और सब बड़े कारण जब अधिकारियों से आगे बात करा तो अधिकारी हवालों दें जी प्राइवेट रैंक लागे, लेकिन इफको को सरकारी रैंक भी लागो, लेकिन सरकारी सोसाइटियां खाद कौन मिलन लाग रही, कारण के है बार बार कारण जानने की बात करी भी, प्राइवेट रैंक में थाने पता ही है भी प्राइवेट रैंक को क्या हाल है, प्राइवेट रैंक में लोग 60-60 कट्टा नीचे गाल गए और 30-30 कट्टा ऊपर खड़गी बोरी गाल गए बाहर पहुँचा दी, अठे डीएपी कोई खाद कौन आई, पिछली 23-10 ने 500 कट्टा आया, 5 गाँव की सोसाइटी है ये और 15,000 एकड़ जमीन है 5 गाँव की, और 500 कट्टा केवल सरसों की बिजाई खतरा आया, देख लो अब क्या हालात है, लोग सरसों किया बीजी है, सरसों की बिना खाद के ही बिजाई करी है। अब कृषि अधिकारियों में बात करा तो बोलो जी एक समस्या है, सरकारी जो की सोसाइटियाँ बन अधिकारियाँ मार दी बन बेच दी बन खा गया बे, भ्रष्टाचार हो है और ये मानने लग रहा है हर सोसाइटी में भ्रष्टाचार हो है, तो भ्रष्टाचार हो बिंगो दोषी किसान तो को नहीं, जे अगर भ्रष्टाचार हो तो भ्रष्टाचारियाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाँ को पीछो भरवाना चाहिए, लेकिन वह तो खुले आम घूमे बाँ पर तो कोई कार्रवाई को नहीं, बांग सागे तो अनदेखी और किसान सागे अनदेखी होने लाग रही है, किसान ने खाद कौन मिलन लाग रही। और दूसरी बात ये भी मैंने डीडीओ साहब से बात की तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, उन्होंने ये मेरे को कहा भी देखो जी थाने बेरो है सोसाइटियों को क्या हाल है, लोग खा गया और भी खाने की बजाऊँ, अब जे अगर मैं पीसा भरवावे नहीं पहले पीसा बांध दे दे तो खाद आ जा, मैं जीएम साहब हूँ भादू साहब हैं जीएम, तो जीएम साहब हूँ बात करी मुझे इन प्रकार की स्थिति है, बोले मारकन ऐसा ऑर्डर को नहीं मारकन तो खाद आ जाएगी नहीं जब पीसा दे सका, तो हालात ऐसे हो रहे हैं, मान तो अब बेरो को नहीं चोर किसे है, चोर कृषि अधिकारी है,
खाद उपलब्ध करवाना अधिकारी है या सोसाइटी का जो अधिकारी है बै सामने तो जदि आओगे और आज देखे होगो भी मैं एक बात कह दी ब्या कर्मचारी है अन कह दियो भी आठा खाद ही को नहीं और फैक्ट्री पर जो चीज़ मुहैया होती थी जो उपलब्ध होती थी जो चीज़ा वह चीज़ा ही को नहीं तो थे आठा बैठे के करो तारी दुकान बंद करो और घरे जाओ थे फिर मैं क्यों परेशान हुआ जो सोसाइटियां इग्नोर करने लग रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा तवज्जो देने लग रहे हैं तो इनको कारण क्या है होल्ड की कि नहीं आई को नहीं कम से कम उपायुक्त महोदय डी सी एक जिला अधिकारी है उनके पास तो इतनी पावर है भी गांव के जो फैक्स होते थे उनकी प्राथमिकता होती थी और गांव में जो अगर प्राथमिकता फैक्सा पर खाद नहीं आवेगी तो आम किसान ने खाद कौन मिला है जगह बड़ा जमींदार है तो कठोई ले सके आपको लेकिन रात दिन पिछली फसल भी आज चुगण लाग रहा हमें और अब आगे की बिजाई का तरी तरसन लाग रहा तो रोजाना बिजाई प्रभावित होने लग रही है लेट होने लग रही है और खाद कौन मिलने लग रही कोई अधिकारी कोई समाधान कौन नहीं हो जी एक तालो और लगायो में भी जो खाद ही अठा उपलब्ध को नहीं हो सके एक अधिकारी बैठा रखे है जी बिन बेरो को नहीं ध्यान ही को नहीं बोत कह मैं कोई मान मारा कोई अधिकार क्षेत्र में को नहीं तो मोते डिमांड तो भेजो बोले डिमांड मैं क्या भेजा खाद आवेगी ऊपरला अधिकारी भेजेगा जे खाद आवेगी तो मैं दे देंगा नहीं मारकन के है अनिश्चितकालीन धरनो है जी कल को मारो प्रोग्राम है भी कल डी सी साहब हूँ या कोई उच्च अधिकारी हूँ मैं मिलांगा जे अगर मारी बात में तवज्जो दी तो कोई बड़ो कदम उठान पर माने मजबूर ना करे बड़ो कदम उठान की खतरा आज के करा जी सारो सिस्टम खराब हो रहे और ये खराब सिस्टम ने लड़नो पड़ा को माने लड़ाई मारी जारी रहेगी जी।